ये देखिए जहाँ पे हमारा गाड़ी है, ये वाला पार्किंग है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को फिर से नए व्लॉग में। अभी जो है कि हम पार्किंग में हैं। रात को जैसे पिछले वीडियो में दिखाए थे, रात को हम टाटा स्टील से खाली करके आए हैं और अभी जो है रात को यहाँ आए हैं, पार्किंग में हैं। और अभी सुबह का अभी लगभग 8 बज रहा है। फ्रेश व्रेश हो लिए, चाय वाय पी लिए, सोचे व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। कल बा दोस्तों, तो ये है हमारा बॉक्स जिसमें सब कुछ आलू प्याज टमाटर आटा चावल सब रखते हैं। और ये आटा जो है कि आशीर्वाद का आटा है, कल ही खरीदे थे और हमें पता नहीं था, जल्दबाजी में खरीद के लाए। जब आटा सानने के लिए निकाले थे ना, तो थोड़ा सा खुशबू इसका जो है कि अलग सा लग रहा था। तो उसके बाद हमने गौर किया और देखे तो इसका डेट जो है कि 3 महीना पहले ही एक्सपायर हो चुका है। तो इसको ले जाएंगे आज और इसको चेंज भी कराएंगे। ये तो फाड़ दिए हैं, फिर भी इसको भी ले जाएंगे क्योंकि फाड़ दिए हैं तो क्या है तो एक्सपायर। तो वो करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो भी ठीक है। क्या है ना कि बात पैसा का नहीं है। अगर हम लेके जाएंगे तो शायद उनके दुकान में ऐसा बहुत सारे और भी पड़े होंगे, तो वो भी अपना जो है कि एक्सचेंज करना होगा या फिर जो भी करना होगा वो भी कर लेंगे या फिर कुछ भी करेंगे, अपने दुकान से हटा देंगे। जैसे मुझे मिला है 2 पैकेट, वैसे किसी और के भी ना मिले ऐसा एक्सपायर्ड। तो शायद इसको खाने से तबीयत भी खराब हो सकता है, इसमें साफ लिखा है। तो मैं अभी दिखा देता हूँ आप सभी को। तो ये है आशीर्वाद आटा और इसका वैलिडिटी मैं आप सभी को दिखा देता हूँ। पहले तो बैच नंबर है और पैकेट है 5 जनवरी 2024 और यूज्ड बाय, मैंने कब तक आपको प्रयोग करना है, ये है 3 अप्रैल 2024, जो कि अभी जुलाई हो गया, वो भी 22 तारीख हो गया और आज तो 23 तारीख है शायद। और इंक्लूडिंग ऑफ ऑल टैक्सेस MRP है 52 रुपया। तो ये जो है कि हम ले जाएंगे, इसको वापस करेंगे अभी और खाना बनाने की तैयारी जो है कि चल रहा है दोस्तों। तो अभी जो है कि चूल्हा पे, गैस चूल्हा पे कुकर में दाल बैठा दिए हैं, दाल बनेगा। ये दो और दो आलू लिए हैं, आलू धो करके चोखा के लिए दाल में ही डाल देंगे और चावल बनाएंगे। आज रहेगा दाल चावल चोखा। ये देखिए जहाँ पे हमारा गाड़ी है, ये वाला पार्किंग है और नीचे जो है कि नीचे से गाड़ी लोड गाड़ी आ रही है, हम भी जाएंगे इधर ही लोड करने। अभी हमारा नंबर में टाइम है, हम कल रात को आए थे लगभग 8 बजे करीब, तो हमारा नंबर लगा था 114 नंबर। तो लगभग 2 दिन का समय लग जाएगा, जैसे कि अभी बारिश का मौसम है तो नंबर जो है कि सही टाइम से नहीं आ रहा है, थोड़ा सा लेट चल रहा है, 2 दिन की स्लो चल रहा है बारिश की वजह से दोस्तों। तो हम सो गए थे, खाओ के सो गए थे, सोने के बाद अभी नींद खुला है, अभी उठे हैं, अभी 4:30 बज रहा है, बाहर निकलते हैं, चाय वाय भी पियेंगे और नंबर पता करेंगे अपना जो सीरियल लिखवाए थे कल। तो कल सीरियल लिखवाए थे तो 114 नंबर पे था, फिर आज सुबह पता किए थे तो वो सीरियल जो है कि 67 नंबर पे था। अभी जाते हैं, क्या होता है, कितने नंबर पे आता है, तो फिर ना होगा तो गाड़ी लेकर जाएंगे लोडिंग पॉइंट पे। सामने चाय दुकान पे दोस्तों। तो मैं तो सो रहा था और मुझे सोते हुए ही छोड़ करके मेरा जो सेकंड ड्राइवर है वो कहाँ गया है पता नहीं, अभी देख रहा हूँ। यहाँ बगल में पार्किंग के जस्ट बगल में ही एक तालाब है जहाँ के नहाते हैं, जा रहा हूँ वहाँ, देखता हूँ शायद नहाने गया होगा, क्योंकि अब चाय वाय पीते हैं, शाम का टाइम हुआ है और आगे का प्रोग्राम भी देखेंगे, खाना वाना बनाना होगा बना लेंगे, नहीं तो अब वहाँ पॉइंट पे निकलेंगे लोडिंग पॉइंट पे। इधर
पार्किंग के पीछे जो है तालाब है। यहाँ है तालाब जहाँ कपड़ा धोते हैं नहाते हैं, लेकिन यहाँ तालाब में तो नहीं है, एक चाचा है जो कि कपड़ा वपड़ा धो रहे हैं। जस्ट ये पार्किंग, चलता हूँ फिर से गाड़ी के पास। अच्छा आ गए, वो दिख गए अभी जो है कि वो भी गाड़ी के पास आ गया। वो उधर देखिए, मैं जूम करके बता दूँ, वो भी उधर आके शायद आके देखे होंगे, मैंने नहीं दिखा होगा। मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं है यहाँ पे ना, नेटवर्क ना होने की वजह से थोड़ा सा इधर उधर जाना पड़ता है ताकि नेटवर्क मिल सके। दोस्तों तो आप देख रहे हैं पार्किंग के बगल में आए हुए हैं, और नीचे देखिए रेल लाइन है जो कि माइनिंग्स में ट्रेन जाते हैं जो मिट्टी को लाने, वहीं आए हैं घूमने देखने। और अभी ट्रेन की आवाज़ आ रही है, ट्रेन आएगी तो उसका वीडियो दिखाऊंगा, बहुत ही सुंदर लगेगा। देखिए दोस्तों ट्रेन आ रहा है, वो कोयला लेके आ रहा है, और इधर से ना पूरा चढ़ाई है माइनिंग्स में जाने के लिए। देखिए ये जो है कि बहुत ही सुंदर लगता है ऐसे, और बहुत जगह हम लोग ट्रक लेके जाते हैं ना, तो ऐसा जगह बहुत मिला है कि एक तरफ रोड एक तरफ रेल लाइन, ऐसा उड़ीसा के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में भी ऐसा देखने को मिलता है, बहुत सुंदर लगता है। और अगर विशाखापट्टनम भी जाते हैं ना वाई जेट पोर्ट पे, तो एक तरफ जो है कि रेल का लाइन, एक तरफ गाड़ी का लाइन, और एक तरफ फ्लाइट का एयरपोर्ट, बहुत सुंदर लगता है वहां भी। दोस्तों तो अभी जो है कि चाय वाय पी के गाड़ी में आ चुके हैं, शाम हो गया है, अब शाम का टाइम है, अब देखते हैं कुछ बनाएंगे बनाएंगे। और जो है कि हम बाहर का व्लॉग यहां पे नहीं बनाते, बाहर का वीडियो नहीं बनाते, क्योंकि गाँव एरिया है यहाँ पे, जहाँ पे माइनिंग एरिया है, देहात एरिया है, और यहाँ पे रोड पे भी बहुत सारे लेडीज लोग भी आते जाते रहते हैं, और गांव की एरिया है, थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लगेगा, हमें खुद भी नहीं लगता कि ऐसे वीडियो बनाए बाहर में। और कुछ लोगों को वीडियो बनाना पसंद भी नहीं होगा, कैमरा के सामने आना पसंद भी नहीं होगा गांव के लोग, तो इसलिए हम नहीं बनाते हैं बाहर वीडियो, वहीं बनाते हैं जैसे कि खुला जगह में होते हैं, हाईवे वगैरह पे होते हैं, हाईवे की ढाबा चाय दुकान होता है तो बना लेते हैं, चाहे मार्केट प्लेस होता है, भीड़ भर एरिया होते हैं बना लेते हैं, यहाँ गांव एरिया में नहीं बनाते। और यही है, अब तो शाम हो गया, अब फिर से शाम का जो भी खाना वाना का तैयारी करेंगे, उसके बाद खाना वाना बना खा के लोडिंग के लिए निकल जाएंगे, नंबर पता किए हैं, उम्मीद है कि सुबह तक नंबर आ जाएगा। और ब्लॉग को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।